छोटा सा इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ, अकेले हम अकेले तुम, बहुत जल्दी शुरू कर देता हूँ. आई वॉज प्लेड लॉयर फॉर आमिर खान, है ना. परेश रावल लॉयर थे मनीषा कोइराला के, फेमस स्टूडियो में सेट लगा हुआ था. एक छोटा सा सीन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर कि वो सीन हुआ तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाई आमिर खान. मंजूर यार ये सीन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, जो पॉइंट है ना जो मेरा लॉयर कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ, वो क्या हो सकता है. तो बोले नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें. तो ये सेट तो क्या हो सकता है, वही मैं सोचा हूँ कि हम लोग सोचें क्या हो सकता है, इसको शूट मत करो. उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये शूट करना मुझे बहुत ज़रूरी है, कि मेरे पास बाकी सब आर्टिस्ट हो, मेरे पास सेटअप भी नहीं है, स्टूडियो भी नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, इसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं. मंसूर का प्लीज़ लेट मी शूट, प्लीज़ लेट मी शूट ये सीन, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो देख लेंगे बाद में, यार कर देते हैं. तो शूट कर लिया, लेकिन उस आदमी ने छोड़ा नहीं उस सीन को, जबकि वो सीन मेरा था. तो नीरज वोरा हुआ करते थे एक्टर डायरेक्टर, उनकी डेथ हो गई, वो भी उस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे थे और राइटर भी थे. तो वो 6 बजे हमारा पैकअप हुआ, और 6 बजे पैकअप का तो हम घर चले गए. 8 बजे आई गॉट फोन कॉल फ्रॉम आमिर, मुश्ताक साहब आप क्या कर रहे हैं. मैंने कहा सर घर पहुँच गए. मैंने कहा जी घर पहुँच, सोते कितने बजे. 10:30-11 बजे तक. ठीक है ठीक है ठीक है, वी गॉट द पॉइंट ही सेड, वी गॉट द पॉइंट और हम उसको लिख रहे हैं. मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम आपको बता दें सीन. फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया, फिर बोलते कि हमने सीन लिख लिया है. ओके ऑलमोस्ट सीन लिख लिया है हमने. तो तब 9:30-10 बज गए थे. तो बोले फिर हम आ रहे हैं आपके पास सीन लेके. ऐसे आमिर आप, आपको हकीकत बता रहा हूँ ये बात में. और मैं उस वक्त मतलब अंधेरी वेस्ट में मॉडल टाउन हुआ तो करता था, एक मेरा एक छोटा सा फ्लैट था, उसमें 1 रूम किचन ही कह सकते हो आप उसको, उसमें मैं रहता था अपने 2 बच्चों के साथ, बीवी के साथ. एंड मैंने कहा एक काम करो आप अपने ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं अपना एड्रेस समझाता हूँ उसको, एंड वो मुझे लिख करके दे देगा, वो सीन दे देगा, मैं पढ़ लूँगा. तो वो चाहते थे कि सीन आप सीन पढ़ के और सीन समझ के सोएं, क्योंकि कल सुबह मैं इसको रीशूट करना चाहता हूँ. अच्छा आप प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ड्राइवर को फ़ोन दो. तो ड्राइवर को फ़ोन दिया, ड्राइवर को मैंने अपना सब पूरा एड्रेस समझाया कि ये आप सीन ले आओ, मैं पढ़ के 2-3 बार पढ़ के मैं सोऊंगा, ठीक है ओके. तो उसके फिर कट हो गया फ़ोन, 11:30 बज गया, 12 बज गया. मैं अब कौन आएगा देखते हैं, कल करेंगे. 12:15 बजे बेल हुई, दरवाज़ा मैंने खोला, ड्राइवर सामने खड़ा हुआ था. मैं लाओ सीन. बोले नहीं सीन तो नहीं है. तो मैंने क्यों आए. साहब नीचे खड़े हुए आमिर खान 12:15 बजे रात में मेरी सोसाइटी में सीन लेके खड़े हुए. This is fact I'm telling. क्या commitment है ना? ये मैं कह रहा हूँ. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हकीकत बताऊँ. और उस आदमी ने, और I remember very much, अब मेरी सोसाइटी के लोग सब बालकोनी में आ गए थे, आमिर आमिर आमिर. And he didn't care, और बाहर खड़ा हुआ है निकर पे. I remember, मैं सिगरेट पी रहा था, और मुसाफ साहब सॉरी 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 सॉरी. अरे मैंने कहा आमिर भाई आप यार 12:15 बजे यार आइए आइए मेरे घर. मैंने कहा मेरे बच्चे भी सो गए. नहीं 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 ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे, घर में नहीं गए थे. तो गेट में जो लैंप पोस्ट होता है वो जो उसके नीचे खड़े होकर आइए बोलो सीन. मुझे पूरा सीन सुनाया, ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा हमारे वाकई कमाल का सीन लिख के लाया था, 1.5-2 पेज का सीन था. पूरा सुनाया और मुझे समझाया कि देखो ऐसे 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 ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप 2-3 बार. मैंने कहा सर मैं आपने जो मुझे दे दिया है आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको 2-3 बार रिवाइव करूँगा और पूरी तैयारी के साथ सुबह आऊँगा. आमिर खान जिसका मैं बहुत बड़ा एडमायर. मैं बहुत खुश हूँ आपने हमें ये कहानी बताई. आज उनके साथ जो हो रहा है उनकी फिल्म को लेकर, जो लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो लाल सिंह चड्ढा, और वो लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म देखे, प्लीज मेरी फिल्म ना बॉयकॉट करे. तो आपने ये बताया, बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि वो क्यों इतने बड़े एक्टर है, इतने लेजेंड है. वो जितनी मेहनत करते हैं और जितनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, बहुत कम लोग मैंने देखा है. देख आमिर खान, बच्चन साहब आल्सो, अमिताभ बच्चन भी बहुत 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 डेडिकेट करते हैं. तो ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो मैं 100% कहता हूँ कि आमिर खान जैसा एक्टर, ही इज़ नॉट आफ्टर मनी फ्रेंकली स्पीकिंग, वो अलग बात है पैसे वैसे की बात. बट जहाँ तक काम का सवाल है, कमिटमेंट का सवाल है, मैंने जितनी भी फिल्में उनके साथ, 4-5 फिल्में की हैं मैंने आमिर खान के साथ, बहुत इन्जॉय किया है मैंने. और मैंने ये देखा है कि पूरी मेहनत करते हैं वो अपनी फिल्म को अच्छी बनाने में और
को आर्टिस्ट भी उनके जो है कि वो बराबर का सीन आया, मज़ा आया सब कुछ हो, और जो तुमको जो जिसके हिस्से में काम आया वो अच्छा करे और उसकी तारीफ और वो कंट्रीब्यूट करे फिल्म को। थैंक यू ये बताने के लिए।